इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्वेश्चन मार्क। इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस। यहां पर एक कंडीशन दे रखी है, एक सिचुएशन दे रखी है। सिचुएशन ये है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, द सम ऑफ द एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। Is the sum of the ages of two friends is 20 years, full stop. 4 years ago, the product of their ages the product of their ages in years, the product of their ages in years was 48. ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें जो conditions दे रखी हैं उसके हिसाब से मैं अगर आगे चलूं तो देखिएगा क्या करना होगा। देखो, इन्होंने बोला है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये पूरी की पूरी सिचुएशन दे रखी है और वो पूछ रहे हैं कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, और अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस, तो दो दोस्त हैं और दो दोस्तों की प्रेजेंट एजेस जो है उनको आप कुछ मान लीजिए, तो उन्होंने ना ये दे रखा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, तो हम ये कहेंगे लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर्स। ठीक है, और एज भी क्या बोले, आप बोले लेट द प्रेजेंट एज, मतलब आज की एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर्स, सो द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड will be first friend की जो present age है वो x years है, तो जो second friend है उसकी present age कितनी हो जाएगी, उसकी present age हो जाएगी 20 minus x, क्योंकि उन्होंने दे रखा है the sum of the ages of two friends is 20 years, दो दोस्तों की ages का जो sum है वो 20 दे रखा है, तो पहले friend की age अगर x years है तो दूसरे friend की age हो जाएगी 20 minus x, so the present age of second friend will be 20 माइनस एक्स ईयर्स, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स ईयर्स। उसके बाद वो बोलते हैं 4 years ago, मतलब आज से 4 साल पहले, तो यहां पर आप एक हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे 4 years ago, 4 years ago, 4 साल पहले एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, 4 साल पहले पहले वाला जो दोस्त है फर्स्ट फ्रेंड जो है उसकी एज कितनी हो जाएगी, एक्स में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स माइनस 4 years, ये हो गया। ठीक है, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड की एज में से भी 4 साल को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो 20 माइनस 4 कितना हो गया, 16, तो 16 माइनस एक्स ईयर्स, अब देखिएगा, अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, मतलब जो एजेस हैं वो ईयर्स में ही होनी चाहिए, उनका जो प्रोडक्ट है वो 48 होना चाहिए। ठीक है, 4 साल पहले जो उनकी एजेस थी उनका जो प्रोडक्ट था वो था 48,
हम ये कहेंगे एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन 4 साल पहले पहले दोस्त की एज कितनी थी एक्स माइनस फोर, और जो दूसरा दोस्त था उसकी एज कितनी थी 16 माइनस एक्स। तो एक्स माइनस फोर इंटू 16 माइनस एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें, एक्स इंटू 16 कितना हो गया 16 एक्स, एक्स इंटू माइनस एक्स कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा माइनस का 64, और माइनस का 4 इंटू माइनस का x हो जाएगा प्लस का 4x, और ये जो 48 है इसको इधर ले आओ, -48 इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस एक्स स्क्वायर और 16x प्लस 4x कितना हो गया 20x, और -64 -48 ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 हो गया 12, दोनों माइनस माइनस के हैं ना, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन उसके आगे माइनस का आ जाएगा। तो 4 और 8 हो गया 12, 1 कैरी आ गया, 1 और 6 हो गया 7 और 4 11, तो माइनस का 112 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है जी, इसके बाद देखिएगा क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में नेगेटिव साइन आया हुआ है तो -1 को आप कॉमन ले लीजिए, ये हमने -1 को ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा -20x, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 112 इज इक्वल टू 0, 0 के नीचे चला जाएगा -1, तो ये 0 ही बन जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, ये करने के बाद में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -20x और प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। आप लिखें यहाँ पर कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ में कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, तो कंपेयर करने का मतलब क्या हो गया, मैं इसको कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पर कैपिटल डी यानी कि जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकें। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ी आ जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो हम ये कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आ जाएगी, तो हम ये बोल देंगे कि इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सिंप्लीफाई ही नहीं करी जा सकती, उसके रूट्स जो हैं वो ही रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो हम ये बोल देंगे कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो देखना इंपॉर्टेंट है पहले। तो देखिएगा, मैं यहां पर लिखूंगा ए इज इक्वल टू कितना हो गया, जब कंपेयर करेंगे तो ए कितना हो गया एक्स स्क्वायर के साथ, इधर ए है इधर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो ए इज इक्वल टू 1, एक्स के साथ इधर बी है और इधर एक्स के साथ -20 है, तो बी इज इक्वल टू -20, कॉन्स्टेंट टर्म इधर सी है और इधर कॉन्स्टेंट टर्म है 112, तो सी इज इक्वल टू 112, तो ये ए बी और सी की वैल्यूज हो गई। फिर क्या करना है, अब आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें यानी कि कैपिटल डी, तो कैपिटल डी क्या होगा, कैपिटल डी होता है बेटा बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac। अब बी स्क्वायर कितना है -20 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 112, ये हो गया। तो -20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर भी 400, तो -20 का स्क्वायर भी 400 ही होता है, तो वो हो जाएगा 400। फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4 ये हो गया 400 -448, ये हो गया -48 विच इज लेस देन 0। तो हम ये कहेंगे कि सिंस डी इज लेस देन 0, सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट हैव एनी विल नॉट हैव एनी रियल रूट्स, सो
सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल रूट्स, विल नॉट हैव एनी रियल रूट्स. ये हो गया. सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया? सभी को क्लियर यस सर, है ना? तो ये देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. और हाँ, एनसीईआरटी का है, एग्जाम में तो नहीं आया लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने की. तो याद रखिएगा, जब भी कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करने के बाद में फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देखेंगे. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ गई, तब तो आप कहेंगे कि हाँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है. और फिर उसकी आप वैल्यू निकालेंगे, जो भी रूट्स की वैल्यू होगी वो आप निकाल लेंगे. क्या होती है, अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करूँ तो एक्स की जो वैल्यूज आती हैं वो क्या आएंगी, -b ± √d/2a. तो ये दो वैल्यूज आएंगी. और अगर मान लीजिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही 0 से छोटा आ गया, तो फिर आप कहेंगे कि उसको सिंप्लीफाई ही करने की जरूरत नहीं है, जब उसके रियल रूट्स आ ही नहीं रहे हैं. तो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है बेटा, चले आगे. यस सर. चलिए जी, उसके बाद सीबीएसई में 2010 में क्वेश्चन आया है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, नोट करेंगे. अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर. अ गर्ल इज ट्वाइस, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर. अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, फुल स्टॉप. 4 ईयर्स हेंस, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स हेंस, कॉमा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस. 4 ईयर्स हेंस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस. हेंस का मतलब होता है बाद में. 4 ईयर्स हेंस मतलब 4 साल बाद. 4 ईयर्स हेंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स विल बी 160. इन ईयर्स विल बी 160, 160. फुल स्टॉप. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. जिन बच्चों को आता है करना शुरू करें, बाकी मैं करता हूं इधर. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. अब देखिएगा कैसे करूंगा मैं इसको. जो चीज पूछी जाती है उसी को हम एक्स मान लेते हैं. तो अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर. तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट गर्ल बी एक्स ईयर्स. तो जो पहली लड़की है उसकी एज को आपने एक्स ईयर्स मान लिया. अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर. एक जो लड़की है उसकी एज अपनी बहन से ट्वाइस है. ट्वाइस मतलब दुगनी है उसकी. तो हमने ये कहा कि अगर एक गर्ल की एज एक्स ईयर्स है, तो जो दूसरी गर्ल है उसकी एज कितनी हो गई, उसकी डबल यानी कि 2x. देन द एज ऑफ सेकेंड गर्ल विल बी 2x ईयर्स. तो फर्स्ट गर्ल की एज एक्स ईयर्स है, तो जो उसकी बहन है उसकी एज उसकी डबल हो गई 2x ईयर्स.
4 ईयर्स हेंस, मतलब 4 साल बाद, यहां हेडिंग डालेंगे 4 ईयर्स हेंस, तो फर्स्ट गर्ल्स एज, जो पहले मैंने फर्स्ट गर्ल लिया है तो उसकी एज कितनी हो गई, एक्स प्लस 4 ईयर्स, फर्स्ट गर्ल की एज हो गई एक्स प्लस 4 ईयर्स, और सेकेंड गर्ल्स एज, जो सेकेंड गर्ल है उसकी एज है 2x, तो उसमें भी आप 4 साल ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 ईयर्स, ठीक है। तो ये तो उनकी एजेस हो गई 4 साल बाद, फिर वो बोल रहे हैं 4 ईयर्स हेंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स विल बी 160, मतलब उनकी जो एजेस हैं, उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 160 के बराबर आ जाएगा 4 साल बाद। तो 4 साल बाद उनकी एजेस ये थी, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा इधर एज पर क्वेश्चन, एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना, 160। अब इसको एक्सपैंड करिए, एक्सपैंड करेंगे तो x इंटू 2x कितना हो जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर, x इंटू 4 कितना हो जाएगा 4x, 4 इंटू 2x कितना हो जाएगा 8x, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 160। ये हो गया, तो इसको देखेंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 4x प्लस 8x कितना हो गया 12x, प्लस का 16 और माइनस का 160 इज इक्वल टू 0। तो 160 माइनस का है और ये 16 जो है प्लस का है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा 144। तो 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखें, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तीनों में से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 2 ले लेंगे कॉमन, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा x² प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ये 2 जो है ये 0 के नीचे चला जाएगा, x² प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए, जो ये बीच वाला टर्म है 6x, तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूं कुछ इस तरह से, कि जो टर्म्स, जो दो टर्म्स आएंगी उनका प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 72 के बराबर, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए 6 के बराबर, तो एक तो 9 8 72 होता है, उससे तो नहीं होगा, और 12 6 72 होता है, 12 6 72 इससे हो जाएगा, 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। 12x माइनस 6x करूंगा तो प्लस का 6x आ जाएगा, और 12 इंटू माइनस का 6 करूंगा तो माइनस 72 आ जाएगा। तो पहले दोनों टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा अंदर ब्रैकेट में x प्लस 12, इन दोनों में से माइनस 6 ले लो कॉमन, तो यहाँ पर भी बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करें, कि पहले तो इसको एक्स प्लस 12 को 0 के बराबर रख दीजिए, आइदर एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सर, तो ये हो गया। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? यस सर, सर अगर हम ऊपर 2 कॉमन ना लेते सर तो भी यही आंसर आता। हाँ, अगर आप 2 कॉमन ना लेंगे तो भी यही आंसर आएगा, बस उसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे 2 है तो फिर 2 को 144 से आप मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, तो भी यही सेम आंसर आएगा, ठीक है। ओके, अब आप ये देखिए कि एक तरफ तो एक्स की वैल्यू -12 आ गई और एक तरफ एक्स की वैल्यू 6 आ गई, तो ये बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है कि क्योंकि एक्स क्या है, फर्स्ट गर्ल की एज, एंड एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए ये तो कंडीशन आपकी पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और जो ये वाली कंडीशन है ये बिल्कुल ठीक है। तो हम ये कहेंगे एज ऑफ फर्स्ट गर्ल इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 6 ईयर्स, और जो उसकी सिस्टर है उसकी एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ सेकंड गर्ल
उसकी एज हो जाएगी 2x, यानी कि 2 इंटू 6 मतलब 12 ईयर्स, 6 ईयर्स और 12 ईयर्स, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर एजेस वाले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, वो आप करना। मैं अगला क्वेश्चन करूंगा स्टार्ट, एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स यानी कि ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं वो देखता हूँ जरा मैं अभी। बस एक मिनट वेट करिए, मैं पानी पी रहा हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ाया उसमें जो मेरी आवाज है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना किसी को? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नोट करते हैं। एप्लीकेशंस या बस इतना लिख दीजिए, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। तो पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, ये पेज नंबर 4.62 पर है आरडी में, पेज नंबर 4.62 ऑफ आरडी, एग्जाम्पल नंबर 1। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल the hypotenuse of a right angled the hypotenuse of a right angled triangle is 6 meters more than is 6 meters more than The hypotenuse of a right angled triangle is 6 meters more than twice the shortest side. 6 meters more than twice six meters more than twice the shortest side. Full stop. If the third side is 2 meters, If the third side is 2 meters less than the hypotenuse, 2 meter less than the hypotenuse, comma, find the sides of the triangle. Find the sides of the triangle.
फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। देखिएगा द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 6 meters मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो एक काम करते हैं, जो शॉर्टेस्ट साइड है ना उस शॉर्टेस्ट साइड को ही कुछ मानकर चलते हैं। सबसे पहले मैं ये कह देता हूँ कि लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स मीटर्स, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो लेट द लेंथ ऑफ द लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड बी लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स मीटर। सबसे छोटी साइड की जो लेंथ है उसको मैंने एक्स मीटर मान लिया। उन्होंने बोला जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 6 meters मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस वो जो शॉर्टेस्ट साइड है उसके डबल से 6 meters ज्यादा है ना, डबल से 6 meters। तो इसका डबल क्या हो जाएगा 2x, और उससे 6 meters ज्यादा यानी कि 2x plus 6। तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 2x plus 6 meters, 2x plus 6 meters, ये हो गया। अब है इफ द थर्ड साइड इज 2 meters लेस देन द हाइपोटेन्यूस, जो थर्ड साइड है, जो थर्ड साइड है, अच्छा जैसे ये हाइपोटेन्यूस है तो जो ये एक्स मीटर आया है इसको आप बेस बोल दीजिए। हमने माना कि बेस सबसे छोटा है, तो राइट ट्राइंगल में, राइट एंगल्ड ट्राइंगल में एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस को मैंने एक्स मीटर मान लिया, जो सबसे छोटी साइड है उसको बेस मान लिया, बेस को एक्स मीटर मान लिया, और जो हाइपोटेन्यूस है वो इसके ट्वाइस से 6 meters ज्यादा है। उसके बाद ये बोल रहे हैं थर्ड साइड, भाई तीसरी साइड बची ना, तो थर्ड साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, इफ द थर्ड साइड इज 2 meters लेस देन द हाइपोटेन्यूस, जो थर्ड साइड है वो हाइपोटेन्यूस से 2 meters कम है, यानी कि 2x plus 6 तो हाइपोटेन्यूस था, इससे 2 meters कम, तो 2x plus 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो गया 2x plus 4 meters। समझ गए, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी ही लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, अपने आप देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखिएगा मैं इधर कर रहा हूं ये मिटाकर, बेटा सभी को समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। यस ठीक है आदित्य, क्लियर है आदित्य? क्लियर क्लियर है अक्षत? यस सर। ठीक है गरिमा, इशिता क्लियर है दोनों को? यस सर। यस सर। ठीक है जी, तो यहां मैं लिख रहा हूं बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर इतना बड़ा क्यों लिखना, सीधा लिखो बेस का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अभी बेस कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 2x plus 4, तो 2x plus 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस कितना है 2x plus 6 का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और यहां पर लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर देखिए जो राइट हैंड साइड है यहां पर भी 2x का होल स्क्वायर है, यहां पर भी 2x का होल स्क्वायर है, तो दोनों कट गए। अब इधर बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर, इधर बचा 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 2 4 4 16, तो 16x, इधर 6 का स्क्वायर 36,
टू टू जा फोर, सिक्स जा 24, तो 24x। अब इस सबको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ गए तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 24x, ये सब कुछ इधर आ गया, इधर बचा प्लस का 16 और 36 इधर आकर क्या हो गया, माइनस का 36 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और 16 माइनस 24 क्या हो जाएगा, 24 में से जब 16 गया तो 8, तो माइनस का 8x, और 36 में से 16 गया तो कितना बचेगा 20, तो माइनस का 20 इज इक्वल टू जीरो। अब वही चीज है कि इसको किस तरह से स्प्लिट करें, आपको समझ में आ रहा होगा, 10 और 2, 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा और 10 टू जा हो जाएगा 20, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे माइनस का 20 चाहिए, तो माइनस के 20 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस 10x प्लस 8x, माइनस 10x प्लस 2x, सॉरी माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, x, तो यहां बचा x माइनस 10 और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो यहां बचा x माइनस 10, इधर भी x माइनस 10, इधर भी x माइनस 10 कॉमन ले लिया, x माइनस 10 कॉमन आ गया, यहां क्या बचा x और यहां क्या बचा प्लस का 2 इज इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो और x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, माइनस 10 को उधर लेकर चले गए तो ये हो गया x इज इक्वल टू 10 और प्लस 2 को उधर लेकर चले गए तो ये हो गया माइनस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। अब जो भी लेंथ है वो 2 तो नहीं हो सकती, माइनस 2 तो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसको छोड़ दीजिए, तो शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ हो गई 10। वो पूछ रहे थे आपसे फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की साइड्स निकल जाएंगी, हम क्या बोलेंगे जब x की वैल्यू 10 आ गई, तो इस तरफ कर रहा हूं उसको इधर, हमने कहा देयरफोर देयरफोर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर, सबसे पहले आ गया एक्स, एक्स क्या है बेस, बेस इज इक्वल टू एक्स यानी कि 10 मीटर, फिर है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना था 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4 यानी कि 2 में आप 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 10 प्लस 4 तो ये हो गया 24 मीटर, और फिर है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 2x प्लस 6, तो 2 इंटू 10 प्लस 6 कितना हो गया 26 मीटर। बताइए जी, समझ गए सभी बच्चे, फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है? यस सर, ठीक है जी, यस सर, चलिए जी, ओके, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ग्रासी लैंड हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ग्रासी लैंड इन द शेप ऑफ अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ग्रासी लैंड इन द शेप ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 1 मीटर मोर देन is 1 meter more than twice the is 1 meter more than twice the shortest side is 1 meter more than twice the shortest side full stop. If the third side is 7 meters more than the shortest side,
इफ द थर्ड साइड इज 7 meters मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, 7 meters मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, 7 meter मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द ग्रासी लैंड कॉमा फाइंड द साइड्स ऑफ द ग्रासी लैंड। फाइंड द साइड्स ऑफ द ग्रासी लैंड। फाइंड द साइड्स ऑफ द ग्रासी लैंड। तो सबसे पहले है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ग्रासी लैंड इन द शेप ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 1 meter मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो इसमें आपने क्या करा कि इसको मान लिया ए बी सी राइट ट्राइंगल मान लिया। वो बोल रहे हैं द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ग्रासी लैंड इन द शेप ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 1 meter मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो जो शॉर्टेस्ट साइड है ना बेटा उसको आप मान लीजिए एक्स मीटर्स, इसको आपने शॉर्टेस्ट साइड मान लिया और बोला द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ग्रासी लैंड इन द शेप ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 1 meter मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड जो है उसके ट्वाइस से 1 meter ज्यादा है उसका हाइपोटेन्यूज। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है एच ये हो गया 2x + 1 meter, 2x + 1 meter ये हो गया है ना। और इन्होंने दे रखा है कि इफ द थर्ड साइड इज 7 meter मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, जो थर्ड साइड है ये वाली ये शॉर्टेस्ट साइड से 7 meter ज्यादा है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ये हो गया x + 7 meter, ये बेस हो गया ठीक है। तो वो बोल रहे हैं फाइंड द साइड्स ऑफ द ग्रासी लैंड, ग्रासी लैंड जो कि आपका एक राइट ट्राइंगल की शेप में है, वो पूछ रहे हैं कि आप उसकी साइड्स बताइए, साइड्स की लेंथ कितनी कितनी है ये बताइए। चलिए जी देखते हैं, देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब बेस कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है x + 7, x प्लस सेवन का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज कितना है 2x + 1, तो 2x + 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करिए, ये हो गया x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 7 इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा जी 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 7। दिखाई दे रहा है नहीं, प्लस 2 × 2x × 7 ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x² 7 का स्क्वायर हो गया 49, 2 × x × 7 कितना हो गया 14x इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर होता है बेटा 4x² 1 का स्क्वायर 1, 2 × 2 = 4, 7 = 28, तो 28x कितना हो गया। अब जितना भी है सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ,
तो 2x² - 4x² + 14x - 28x + 49 - 1 = 0। 2x² - 4x² हो गया -2x², 14 - 28 कितना हो जाएगा, -14x, 49 - 1 हो जाएगा +48 = 0। तो थ्रू आउट आप -2 ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा x², ठीक है, और माइनस लिया है ना तो माइनस तो बाहर आ गया, और 2 7 14 तो +7x, और ये हो जाएगा बेटा -24 = 0। अब ये जो -2 है ये यहाँ 0 के नीचे चला जाएगा तो वो तो 0 ही बन जाएगा, इधर कर रहा हूँ बीच में। चलिए जी, अब ये बचेगा x² +7x - 24 = 0। अब इसको कैसे करें, 24 और ये 7 को किस तरह से स्प्लिट करें बताएंगे क्या क्या हो सकता है? 24 2 12 होता है, वो तो नहीं बन पाएगा 7। टू ट्वेल्व जा और 24 कहाँ आता है, 3 के टेबल में 3 8 8 - 3 5 हो जाएगा, 4 6 6 और 4 7 नहीं बन पाएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 हो गया 7 हो गया 8 9 12, ये हमने कुछ गलत तो नहीं करा इसमें? x² The hypotenuse of a grassy land in the shape of a right triangle is 1 meter more than twice the shortest side. Hypotenuse हो गया 2x + 1. If the third side is 7 meter more than the shortest side, तो x + 7 ये भी ठीक है. x + 7 हो गया x² + 49 + 14x, तो 2x² + 49 + 14x और ये हो गया 4x² + 1. हाँ जी, एक चीज गलत कर दी हमने, देखिएगा ये 2x + 1 का होल स्क्वायर था, 2x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 1 होना था, ये 7 मैंने गलती से लिख दिया। तो ये जो इधर 28 आया है, ये 28 में आकर बेटा 4x होगा सिर्फ, ठीक करिए इसको, ये 4x होगा, 14x - 4x, ठीक है, और 14 - 4 ये बन जाएगा +10x, -2 कॉमन लिया तो यहां पर हो जाएगा x² - 5x - 24। अब करिए इसको, -5x - 24 तो हो गया x² - 8x + 3x, -8 और +3 माइनस का 5 आ जाएगा, और -8 × 3 हो जाएगा -24 = 0। यहां से आपने ले लिया x कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचा, x - 8, यहां से ले लिया 3 कॉमन तो ब्रैकेट में बचा x - 8, तो x - 8 × x + 3, तो x = 8 आ गया एक तो, और एक आ गया x = -3। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये ठीक है, बताइए जी समझ में आ गया सभी को? यस सर, ठीक है जी। चलिए जी, तो फिर आज इतना ही कर लेते हैं, ठीक है, बाकी कल कराता हूँ, आज के लिए इतना ही। मेरी जो आवाज है आज वो प्रॉपर आई है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी बच्चे को? नो सर, नो सर। चलिए जी, ठीक है बेटा, ओके।